मैं बहुत नाराज हूँ। नाराज इसलिए मैं मेरे बहन के नज़दीक होकर भी मैं राखी बंधवाने के लिए नहीं जा सका, इस बात का मुझे बहुत अफसोस है। जब छुट्टी रहती है ना तो पूरा अपना जो शेड्यूल रहता है ना वो पूरा का पूरा मतलब डिस्टर्ब हो जाता है। कितना सोचते हैं कि आज इतना समय सोए, इतना समय काम करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जितना सोचते हैं ना उसमें से 10-20% भी फॉलो नहीं होता। लेकिन आज मैं बहुत नाराज़ हूँ। नाराज़ इसलिए कि मैं राखी बंधवाने के लिए मेरे बहन के घर नहीं जा पाया। उसका भी रीज़न है कि 40 किलोमीटर यहाँ से मेरे बहन के पास जाना था। 40 किलोमीटर की बात नहीं है, लेकिन मैं बहुत थक गया था। रेगुलर शूटिंग, नींद ही नहीं मिल रही थी। और नींद नहीं मिल रही थी इसलिए मुझे ना मेरी बहन के कॉल आए थे, चार बहनें हैं मेरी और सभी के कॉल आए थे रक्षाबंधन के लिए। लेकिन क्या कर सकता यार, थोड़ा शरीर को भी मतलब आराम की ज़रूरत रहती है ना, और शरीर को आराम नहीं देंगे तो कैसे, मतलब शरीर कैसे काम करेगा। लेकिन नाराज़ हूँ यार, चार बहनें हैं और अकेला भाई हूँ, तो उनको भी बुरा लगता होगा कि कब आएगा मतलब राखी बंधवाने के लिए। लेकिन क्या करें यार, काम नहीं करेंगे तो पेट कैसे भरेंगे, गाड़ी के EMI कैसे कटाएंगे। एनीवे, बहन का प्यार मतलब राखी बांधेंगे तो बहन का प्यार बढ़ेगा या रहता है ऐसी कोई बात नहीं रहती है। दिल से प्यार है ना बहन के लिए, और बहन का भी मेरे लिए दिल से प्यार है ना, बस यही काफ़ी है। ऐसा नहीं रहता कि आज के दिन ही सिर्फ प्यार दिखाओ। मैं तो ऐसे मतलब ऐसा बंदा नहीं हूँ कि सिर्फ वैलेंटाइन डे आता है तो वैलेंटाइन डे का मतलब प्यार दिखाने का, या रक्षाबंधन आया है तो रक्षाबंधन से बहन के लिए मतलब कितना प्यार है ये दिखाने का, मतलब ऐसा बंदा बिल्कुल नहीं हूँ मैं। मेरा ना हर साल प्यार बढ़ता ही है बहन के लिए, क्योंकि क्या है, मेरी दुनिया में ऐसी मेरी चारों बहनें हैं ना, सेल्फ डिपेंडेंट है, खुद काम करती है, खुद का मतलब जो भी खर्चा है खुद उठाती है। इसलिए मैं ना मेरी बहनों पर बहुत प्राउड फील करता हूँ, और होना भी चाहिए, लड़कियों को सक्षम बनाना चाहिए। और ये मेरे माताजी और पिताजी ने बहुत बड़ा काम किया है, इसलिए मेरे माताजी और पिताजी का भी मैं बहुत आभारी हूँ, मेरी बहनों को सक्षम बनाया इसलिए। लेकिन आज की बात करें तो अपने डब्बा लिया है, डब्बा लेकर रूम पर जाएंगे दोस्त के, खाएंगे, एक मूवी देखेंगे, और मूवी देखने के बाद एक आधा घंटा सोएंगे, और सोने के बाद देखते हैं। बाद में सोच रहा हूँ एक दो मतलब शर्ट या फॉर्मल पैंट लेके आऊँ, देखते हैं क्या होता है। सोकर उठाऊँ, बहुत दिनों से नींद नहीं थी, दिन की ले ली, लेकिन आज ले ली, अब थोड़ा फ्रेश लग रहा है। लेकिन नींद में ही था तब मेरे एक दोस्त गैरी का कॉल आया कि भाई ऐसा ऐसा शूट है, क्या तू आ सकता है। और शूट के लिए तो मैं पागल हूँ, कभी ना नहीं कह सकता, तो मैंने उसको डायरेक्टली बोला भाई चल डन, मैं आऊँगा। और अभी पार्किंग में हूँ, मेरी गाड़ी आपको दिख रही है, हाँ वो वाली, उस पर मैं अब निकलूँगा। लेकिन मैं बहुत नाराज हूँ। नाराज इसलिए मैं मेरे बहन के नज़दीक होकर भी मैं राखी बंधवाने के लिए नहीं जा सका, इस बात का मुझे बहुत अफसोस है। लेकिन कर भी क्या सकता हूँ यार, इतने प्रॉब्लम्स है, इतना मतलब कष्ट भी है, काम भी है, ये छोड़कर भी नहीं जा सकते ना। हाँ, आज नहीं बंधवा लिए ना तो जब मैं जाऊँगा तब भी बंधवा सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि आज ही बंधवाना चाहिए। हाँ, मैं समझ सकता हूँ आज ही मतलब वो खास दिन है, लेकिन थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। और दूसरी बात ये है, मैं राखी बंधवाने के लिए क्यों नहीं गया, उतना मेरे पास कुछ बहन के देने के लिए नहीं है। मैं ना हमेशा जब रक्षाबंधन आता है तो सोचता हूँ कि इस रक्षाबंधन को बहन को ऐसा गिफ्ट दूंगा ना, मतलब इसके पीछे जितने रक्षाबंधन हुए ना उसका पूरा का पूरा बदला ले लूँगा। लेकिन अभी तक समय नहीं आया,
लेकिन नहीं आया है तो बैठूंगा नहीं, ज़रूर समय लाऊंगा। अब मुझे निकलना चाहिए क्योंकि टाइम हुआ है, उधर लेट नहीं होना चाहिए। हमारे शूट लोकेशन पर तो मतलब हमारे कॉल पॉइंट पे तो गया था, लेकिन अचानक से मैंने शूट के लिए जाना कैंसिल कर दिया। उसका रीज़न ये है कि जो मेरा जेन्युइन कोऑर्डिनेटर है, उस कोऑर्डिनेटर ने मुझे बोला कि भाई तुम जिस शूट पर जा रहे हो, जिस शूट के सेट पर जा रहे हो, वो सेट वाले मतलब जो प्रोडक्शन है उनका, वो पेमेंट के लिए बहुत मतलब बहुत ही देर करते या देते भी नहीं, ऐसा मुझे उसने बताया। और भाई क्या है, इस फील्ड में ना बहुत लुटेरे, जगह जगह आपको लुटेरे मिलेंगे इस फील्ड में। कौन सी फील्ड में, तो फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। क्या रहता है, एक जूनियर आर्टिस्ट को 1000 रुपीज़ पे होता है प्रोडक्शन से। तो जो मतलब जो कोऑर्डिनेटर रहता है, हमें जिसने बुलाया रहता है, वो क्या करता है पता है, मेन कोऑर्डिनेटर की बात कर रहा हूँ, वो क्या करता है, 300 रुपये वो खाता है। बाद में उससे नीचे वाला जो दूसरा कोऑर्डिनेटर रहता है, जिसके थ्रू हम जाते हैं काम पर, वो क्या करता है, वो 200 रुपये खाता है, तो बचते हैं कितने, 500 रुपये। तो हमारे जेब में सिर्फ 500 रुपये आते, कष्ट करे हम और घी खाए वो। मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ ना, हर रास्ते पर फिल्म इंडस्ट्री में लुटेरे मिलेंगे। और लुटेरे किस तरह की भी मतलब लूट कर सकते, इज्जत की लूट कर सकते, पैसे की लूट कर सकते, अपना जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो सेल्फ रिस्पेक्ट की लूट कर सकते। मतलब लुटेरे होते, वो क्या है, कौन है, आगे ये देखते नहीं है, बस उनका एक ही काम रहता है, अपना खुद का पेट भरे, बाकी के जाए गंगा में नहाने। शूट को जाना कैंसिल करने के बाद मैं मेरे दोस्त के साथ, वो मेरे पीछे देखता होगा आपको, मतलब वो गाड़ी पर बैठा है मेरी टू व्हीलर पर, उसको लेकर झड़ ब्रिज पर आया हूँ। जैसे बम्बई में हर फ्लाईओवर पर कपल स्पॉट रहता है, लेकिन पुणे में एक स्पेशल कपल स्पॉट है, उसको झड़ ब्रिज कहते हैं। और उस झड़ ब्रिज पर भाई हम अकेले हैं, सिंगल है, कोई लड़की नहीं हमारे साथ, लेकिन वो भी थोड़ा मतलब स्ट्रेस में था, उसका भी मन हल्का करने के लिए और मुझे भी थोड़ा फ्रेश लगने के लिए मैं झड़ ब्रिज पर आया। और इधर आकर मज़ा आ रहा है, मज़ा इस बात का कि थोड़ा फ्रेश लग रहा है, फ्रेश एयर मिल रहा है और थोड़ा शांत लोकेशन है। एक्सीडेंटली हमने एक प्लान बनाया, बहुत दिन हुए थे बाहर खाकर, तो सोचा कि आज रक्षाबंधन भी है और मैं दोस्त को लेकर खाने के लिए, ये मेरे पीछे जो क्या बोलते हो, लेड लाइट दिख रहे हैं ना, उस होटल में खाने के लिए आए। पिछली बार एक बार आया था, उन्होंने बहुत अच्छा खाना दिया था, आज का भी टेस्ट देखते हैं कैसा है। और क्या होता है, एक बार किसी होटल में गए तो उसने क्वालिटी दी या अच्छे टेस्ट दी, तो एक बार मतलब एक खवैये लोगों की मतलब एक रीति है, एक बार उनको टेस्ट लगे ना कौन सी भी चीज़, एक होटल की या किसी भी मतलब एरिया में किसी भी चीज़ की बोलो, तो लोग ना 10 किलोमीटर भी दूर हो ना तो उधर जाते हैं खाने के लिए। एक खवैये का मतलब एक क्या बोलते हैं, उनका रुतबा ही रहता है वैसा, देखते हैं कैसा टेस्ट लगता है आज का भी। लेकिन बहुत भीड़ है रक्षाबंधन की वजह से, हम वेटिंग पर है, हमारा नंबर कब आता है देखते हैं। खाना बहुत टेस्टी था और हमारे आइटम थे तंदूरी विद बटर नान, साथ में श्रीखंड भी दिया था स्वीट। बहुत दिनों के बाद बाहर खाए हैं और सबसे लास्ट में उन्होंने बड़ी सोप और बड़ी वाली जो शक्कर रहती है वो दी। बिना बड़ी सोप और शक्कर के ना मतलब खाना अधूरा है। और जब क्वालिटी देते हैं ना तो बार बार जाने का मन करता है, और यही हुआ हमारे साथ आज, क्वालिटी थी उसने, थोड़ा समय लगा क्योंकि रक्षाबंधन है और बहुत भीड़ थी,
लेकिन हमें हमारा टेबल मिल गया 10 या 15 मिनट के बाद। तो बस आज के लिए इतना ही काफी है, लेकिन सबसे लास्ट में मैं इतना ही कहूँगा यार, मैं जाना चाहता था राखी बंधवाने के लिए, लेकिन जा नहीं पाया कुछ रीज़न की वजह से, नाराज़ हूँ। लेकिन अगली बार ज़रूर जाऊँगा, हाँ कल या परसों जब जाऊँगा तो मैं राखी बांधूँगा ही, काम नहीं आया तो, मतलब शूटिंग का वर्क नहीं आया तो, नहीं तो मुझे ही पता नहीं मैं कब घर जा पाऊँगा। लेकिन नाराज़ हूँ यार, जाने तो क्या कर सकते, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं होती ना। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में, नई दिनचर्या के साथ, नई ओम प्रकाश तुर्मी की लाइफ और जर्नी के साथ, नई ट्रेजेडी के साथ। तब तक आप लोग सब ठीक रहेगा और ज़रूरतमंदों को हेल्प करने में हिचकिचाट मत कीजिएगा। स्प्रेड ह्यूमैनिटी, सेव वाटर एंड सेव को, ये तीनों चीज़ें तो कभी मत भूलना। इस बस बाय।